नमस्कार, मैं हूं कौशल। आज हम इस वीडियो में रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, ग्रेड कार्ड के ऊपर बात करेंगे और रिवोल्यूशन रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, किनके लिए, जिनका अभी तक मार्क्स अपडेट नहीं किया गया है उसके बारे में। और साथ में तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी फिलहाल इग्नू की ओर से किसी भी अपडेट नहीं की गई है, लेकिन इतना आप जान सकते हैं कि अभी असाइनमेंट सबमिशन करने की डेट जो है वह 31 है। तो आप लोग, जैसा कि अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना असाइनमेंट को जमा नहीं किया है, वो फटाफट अपना असाइनमेंट को जमा कर लीजिए। अगर जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाया है, वो क्या कर रहे हैं, अब जल्दी से और आप अपना असाइनमेंट को बनाइए और जमा कीजिए, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक होने वाला है और एग्ज़ाम आपका जल्द होने वाला है। और साथ में कब जल्द होने वाला है, जैसा कि आपका एक एग्ज़ाम फॉर्म अभी नहीं जारी किया गया है, लेकिन आपका टेंटेटिव डेट जारी कर दिया गया, उसमें आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप फटाफट असाइनमेंट को जमा कर लीजिए, असाइनमेंट एग्ज़ाम से पहले आपको असाइनमेंट जमा करना होता है, तो फटाफट आप असाइनमेंट जमा कर लीजिए। और साथ में अभी बात कर लेते हैं कि अभी तक अपना फॉर्म नहीं आया है तो क्या कब फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत जल्द ही आपका दिसंबर 2021 के लिए आपका फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्म का जो डेट है वो निर्धारित नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम फॉर्म भर के और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टर्म एंड रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्म एंड रिजल्ट की जो अपडेट है वो अभी फ़िलहाल 29 अक्टूबर 2021 तक की है। तो अभी तक उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट का लगभग 80% या फिर 85% स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है, और जिनका नहीं आया है वो फटाफट हमारे कमेंट में आइए और कमेंट कीजिए कि किनका अभी तक नहीं आया है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड कार्ड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेड कार्ड की अपडेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत भारी लफड़ा हो रहा है। अब कैसा लफड़ा, सो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने पिछला साल इनको प्रमोशन मिला था, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में इनको प्रमोशन मिला था, और देखिए इनका सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कम्प्लीट है, फिर भी इनका अभी तक मार्क्स नहीं अपडेट किया गया है। ये भारी नुकसान हो रहा है इनको, अब क्या किया जाए। अगर आपका ऐसा ही है तो आप इससे अगली वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम आपको पूरा क्लियर करेंगे कि आपको किस मेल पर और किस तरह से करना है तो आपका मार्क्स अपडेट होगा। इनका हम मार्क्स अपडेट के लिए मेल करवा चुके हैं, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिलहाल यहाँ पर आप ग्रेड कार्ड की अपडेट नहीं आई है, 28 अक्टूबर तक की गई है। अब हम बात कर लेते हैं रिवोल्यूशन रिजल्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवोल्यूशन की 29 अक्टूबर तक आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिलहाल रिवोल्यूशन रिलेटेड एक और खबर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनका भी अभी तक मार्क्स नहीं आया है रिवोल्यूशन का, क्योंकि आज एक स्टूडेंट हमको फ़ोन किए और बोल रहे हैं कि सर मेरा रिवोल्यूशन का मार्क्स तो नहीं अपडेट किया गया है, लेकिन फिलहाल एक मेल आया है। तो हमने पूछा क्या मेल आया है, तो उन्होंने बोला कि हमने आंसर स्क्रिप्ट के लिए और रिवोल्यूशन दोनों लगाया था, लेकिन मार्क्स अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन मेल पे एक मेल आया है जिसमें मेरा आंसर स्क्रिप्ट आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो अब आंसर स्क्रिप्ट है वो मेल के थ्रू ही आता है, पहले आपका बाय पोस्ट आता था, लेकिन इग्नू चेंज करते रहता है तो आपके मेल पे आता है। तो उनमें लिखा गया कि हमने 5 क्वेश्चन का जवाब दिया, जिसमें से 4 क्वेश्चन को चेक किया गया है और 1 क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। तो हमने उसको बोले कि देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपने रिवोल्यूशन लगा दिया है तो आपका मार्क्स अपडेट होगा, अगर नहीं होता है तो आप ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो बोल रहे हैं कि 5 का लिखा हूँ लेकिन 4 का ही चेक किया है और 1 को छोड़ दिया है। तो चलिए आप जो है मार्क्स का अपडेट कीजिए। अब आप कहीं आपका मार्क्स अपडेट कर दे रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो फ़ोन कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपका फिर जवाब देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो है रिवोल्यूशन का मार्क्स अपडेट कर दिया गया। अगर आपका इसी तरह से कोई भी मैटर है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, उसके लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए और हम आप कमेंट कीजिए और हम आपको उस कमेंट में बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।